हेलो एवरीवन, आई एम इशिका चटर्जी, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो पे हम देखेंगे कैसे एक केक बेस के ऊपर आप एक वाइट पीकॉक पेंट कर सकते हो, वो भी एक्रेलिक पेंट की मदद से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए या बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए फ्यूचर अपडेट्स के लिए। ओके, तो स्टार्टिंग में हमने लिया है एक केक बेस जिसको मैंने कलर कर लिया है। और ये प्रोसेस अगर आपको नहीं पता है तो मैं अपने पिछले वीडियो पे ये ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जाके आप प्लीज़ चेक कर लीजिए, लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दूंगी। पहले हम वाइट एक्रेलिक पेंट की मदद से एक पीकॉक की आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप पहले पेंसिल से भी ये ड्रॉ कर सकते हैं। एंड इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट कलर की पेंट और 0 साइज का ब्रश। बॉडी को ड्रॉ करने के बाद हम लोग इसके फेदर्स को ड्रॉ करेंगे। इसके लिए भी हम सेम प्रोसेस में ही एक्रेलिक पेंट की मदद से एक एक करके लाइन क्रिएट करेंगे। और इसके लिए मैं प्रेफर करूँगी कि जो सरफेस है केक बेस का, ये थोड़ा सा आपके लिए रफ हो सकता है, तो बेटर होगा आप पहले अपनी ब्रश को गीला कर लें, उसके बाद आप ये एक्रेलिक पेंट की मदद से पेंट कर दीजिए, ताकि आपका जो पेंटिंग रहेगा ये आपका थोड़ा सा स्मूथ हो सकता है। My painting is almost done guys. If you like this video then hit on the like button and let me know how much you like this video, then do comment in the comment section and share this video as much as possible. Thank you so much for watching this video. I'll meet you in the next video. Till then, stay happy, stay healthy and stay at home.